हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मानिया। मेन इंग्रेडिएंट्स में है एक कटोरी गेहूं का आटा, चीनी, नमक, देसी घी। सबसे पहले एक बाउल में आटा डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे इसमें। अब हम इसमें पानी डालकर एक बैटर रेडी कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ना ज़्यादा ये थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। अब ये परफेक्ट है। इसे 10 और 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। 10 मिनट्स के बाद अब ये रेडी हो चुका है। एक तवा गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा देसी घी। और इसे स्प्रेड कर लेते हैं। अब हम गोल को डालेंगे। इसे हम हाथ से ही स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा देसी घी डालेंगे। फ्लिप कर लेते हैं इसे। अब ये रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मानिया सिख फैमिली में दूल्हा दुल्हन को शादी से पहले नान के दाद के परिवार की तरफ से शगुन के तौर पर खिलाई जाती हैं। ससुराल में पहला खाना दुल्हन को मानिया ही खिलाया जाता है। फ्लिप कर लेते हैं इसे। इसको हम खाते हैं, जैसे हमने एक मानी डाली है तो हम इसके ऊपर डालेंगे चीनी। देसी घी हम इसके ऊपर डालेंगे। एक और मानी क्यूब, इसको भी सेम प्रोसेस ही है। इसके ऊपर हमें डालना है चीनी डालनी है। देसी घी, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। इसे डालेंगे हम चीनी, देसी घी। इसे अच्छे से सभी रोटियों को मिक्स कर लें। खाने में बहुत टेस्टी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर एकदम रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।